आज राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन महासंघ की एक हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश संजय शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ हमने एक मीटिंग की। उसमें हमने ये निर्णय लिया कि सरकार 17, 18, 19 बहुत से रूरल एरिया में अभी तक आरटी का भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बात, सरकार भी वही जो पिछली सरकार ने जो हमारे विद्यालयों का उन्होंने हमारे विद्यालय में आड़ लगाई, लेकिन ये सरकार तो हमारे विद्यालयों को पूरा अस्तित्व नष्ट करने की ओर चल रही है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय लिया कि इसके बारे में हम प्रदेश स्तर का एक अधिवेशन रखें, जो कि सरकार के संगठन भी करते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें बैठ कर के प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षा मंत्री को आमंत्रित करें, शिक्षाविदों को आमंत्रित करें, और बोर्ड की समस्या है उस बोर्ड की समस्या में उन पदाधिकारियों को हमारे एलिमेंट्री डायरेक्टर और हायर एजुकेशन डायरेक्टर दोनों को बुलाएंगे, उसके अंदर उनकी बात रखेंगे, साहब हमारी ये समस्या है, आप ये चाह रहे हैं कि इनका अस्तित्व उसका कारण क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप सभी स्कूलों को पीपी मोड पे दे रहे हैं और एक तरफ निजी स्कूल का आप बिल्कुल ही कर रहे हैं, जो स्कूलें 40-40 साल से चल रही हैं, आप उस समय भी 12-13 में आरटी के तहत जो स्थायी मान्यता थी उनको भी आपने आरटी के तहत 2-2 साल का टाइम दिया, 1-1 साल का एक्सटेंशन किया, वही फाइलें वापस उठा करके आप ये चाह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप इन ये नॉर्म्स हैं इनको पूरा करो। आपको ये ध्यान था कि पहले की जो पिछली जो स्थायी मान्यता स्कूलें चल रही है वो भी नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए, तो वर्तमान में जिन विद्यालयों को आपने मान्यता दी है आप लगातार मान्यता जारी कर रहे हैं और ये नॉर्म्स करते जा रहे हैं। ये हमारे निजी स्कूलों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम सब एक होकर के और इसका करेंगे और शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को उनको बुलाकर अवगत कराएंगे। हेमेंद्र बारोटिया, प्रदेश संयोजक, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन महासंघ।